दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, और यही पर गलती हो जा रही है कि बिना पेन पेपर उठाए हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर 7 7 चौक 28 और 28 में 28 का भाग देकर एक हम लोग करेक्ट आंसर लेकर चले आए, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये ब्रैकेट देखकर, और यहाँ कोई चूंकि निशान नहीं था इसलिए हम लोग कन्फ्यूज हो गए। जब ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं होता है तो वहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है, इसको सही एक्सप्रेशन में ऐसे हम लोग लिख देंगे, 5 2 7 हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7 × 7 हमारा 49 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे ना कि इसको सॉल्व करेंगे, और ये छोटी छोटी गलतियां बहुत ही ज़्यादा लोग कर रहे हैं। अब चलो आ जाओ ये क्वेश्चन पे, बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। दोस्तों मैं कहता हूं कि हमेशा किसी चीज़ का बेसिक अगर समझ लोगे ना तो कभी गलती नहीं होगी। परसेंटेज का ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अभी दे दोगे ना तो आधे लोगों का उत्तर आ गया होगा, और जो कि गलत होगा। देखो गलत क्यों है, अगर इसका उत्तर आपका 50 आ रहा है या ऐसे कुछ आ रहा है तो गलत है, 50 इसका आंसर है ही नहीं। 100% ऑफ 50% इसको समझो। 100% का मतलब क्या हो, 100% यानी कि 100/100, ठीक है। का मतलब गुणा 50% यानी कि 100। चलो काटना शुरू करो। अब ये हमारा हो गया 5/10, और ये हमारा हो गया 0.5, यानी कि 100% का 50% हमारा 0.5 आ जाएगा। अब बताओ कि क्या आपका आंसर ये आ रहा था, और अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गया और आपका आंसर भी सही आ रहा था तो इसका आंसर क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको आ रहा होगा, लेकिन इसको लगाने में आप बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले हो। इसको हम लोग तुरंत कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 12 है, 12 से एक कम कर दो 11, और इन दोनों का डिफरेंस 3/28, इसका यही करेक्ट आंसर आएगा। इसको मैं अभी समझाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 11 + 1 और ऋण 25/28, ये ऐसे होगा, 11 तो पूरा है हम लोगों का, एक में से इसको घटाएंगे तो 28 + 28, ये 3/28 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग तुरंत लगाएंगे। 69 है तो इससे एक कम कर दो 68, और इन दोनों का डिफरेंस 6/11, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब इसमें क्या करेंगे, 29 और ये 8 पूरा है, 29 में से 8 को घटा दो, हमारा हो गया 21, और ऋण 2/5, अब इसको कर दो 20, और इन दोनों का डिफरेंस 3/5, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ये सारे क्वेश्चन समझ में आए तो इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। दोस्तों पूरे YouTube पर पहली बार ये क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, और वो इस चैनल पर आप देख रहे हैं कि अगर एक आलू का मूल्य 2 रुपए है तो 1 किलो आलू का मूल्य क्या होगा। बहुत सारे लोगों से प्रश्न पूछा, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि कह रहा कि ये प्रश्न ही गलत है। बहुत सारे लोग कह रहे कि यार साइज तो बताओ, साइज पर डिपेंड करेगा उसके। बहुत सारे लोगों ने कहा कि 1 किलो में कितना आलू आएगा उस पर डिपेंड करेगा 1 किलोग्राम में, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑफ कोर्स ज्ञात किया जा सकता है। अगर इसमें से आपको लग रहा होगा, देखो ज्ञात किया जा सकता है कैसे, 1 किलो की बात की जा रही है, 1 किलोग्राम की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। 1 किलो का मतलब होता है, 1 किलो का मतलब 1000, किलो का मतलब 1000 होता है, 1 किलो का मतलब 1000। एक आलू अगर 2 रुपए का है तो 1000 आलू हमारे 2000 रुपए के हो जाएंगे। आप कहीं देखते हो ना कि किसी वीडियो पर 3K लाइक्स है, तो इस लाइक इस के का क्या मतलब है, 3 किलो लाइक्स यानी कि 3000 लाइक्स, ठीक है। तो इस के का मतलब किलो ही होता है, जहां के है वहां पर 1000 है, यानी कि 1 किलो आलू का मूल्य हमारा 2000 रुपए होगा, 1 किलोग्राम आलू का मूल्य इससे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, और ये क्वेश्चन औरों से भी पूछ सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को बताने का 2 पर्पज है। पहली चीज कि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं, और अगर सही भी लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो इसको पूरा देखना, क्योंकि हम लोग समय भी बचाने वाले हैं इस क्वेश्चन के बाद, और गलती की संभावना भी नहीं। पहले गलती क्या करते हैं ये देख लो, 9 सही 5/9 को 9 से मल्टीप्लाई करते समय बहुत बच्चे क्या करेंगे कि इसको इससे कैंसिल कर देते हैं एक बार में, और 9 1 + 9 = 5 = 13 करेक्ट आंसर मारकर चले आते हैं, जो कि गलत है। देखो इसको सही तरीका क्या है और फास्ट तरीका क्या है। 9 सही 5/9 को 9 × 5/9 भी लिख सकते हैं, और इसको हमको 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 का 9 में मल्टीप्लाई किया 81, और 9 का 5/9 में मल्टीप्लाई किया 5, हमारा 86 करेक्ट आंसर आ गया। देखो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर एक क्वेश्चन से ही आपके पूरे चैप्टर का नॉलेज लेना चाहता है, घात और घातांक का। ये पूरा चैप्टर आप पढ़ लोगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, इसको बहुत आसान समझने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें पूछा है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। चलो 25 के घात 1/2, 1/2 का मतलब यह हुआ अंडर रूट, यानी कि इसका हम लोग मान निकाल लेंगे 5 हो जाएगा, यानी 1/25 के घात ऋण 2, ऋणात्मक मान का मतलब होता है कि अगर इस नंबर का व्युत्क्रम ले ले तो ये मान हमारा धनात्मक हो जाएगा, तो 25 का ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 625। चलो आगे आते हैं,
हैं, रीड 1/25 का स्क्वायर यानी कि रीड 1/25 का दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/625 हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे कि 25 के घात ऋणात्मक 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 1/25 रीड हटाएंगे तो, और इसका क्या करेंगे अंडर रूट यानी कि 1/2 यानी कि 1/5 आ जाएगा। अब 5/625 और 1/625 और 1/5 में सबसे छोटी संख्या ये है, तो हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर समझ में आया तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए तो इसको बहुत सारे लड़के क्या करेंगे कि गलत तरीके से सॉल्व करके सही उत्तर लाने की कोशिश करेंगे, जैसे 4.2 बार को 1.3 बार में जोड़कर 5.5 बार ला देंगे जो कि उत्तर सही है, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता है, ये लक बाई चांस इसमें सही उत्तर आ गया। इसको लगाने का सही तरीका क्या है, देखो 4.7 बार है, इसको हम लोग पहले बदलेंगे भिन्न में। भिन्न में बदलने का क्या है, जो रिपीट पहले पूरे को लिख लो, जितना रिपीट कर रहा है उतना 9 लिख लो और जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको घटा दो, प्लस 13 माइनस जो रिपीट नहीं कर रहा घटा दो और जितना रिपीट कर रहा है उतना 9 लिख लो। अब क्या है 43/9 हो गया और प्लस 12/9 हो गया, ये हो गया 55/9, 9×54 6.1111 आएगा, 6.1 बार इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो अगर ये समझ में आया तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और ऐसे ही रिकरिंग डेसिमल का वीडियो चाहिए तो चैनल पर मैंने बनाकर रखा हुआ है, उसको आप सॉल्व वहां से देख कर सीख सकते हो। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 1 सेकंड से ज्यादा समय ले रहे हो, इसका मतलब भिन्न का बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, आज के बाद इस क्वेश्चन को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इसको सॉल्व करने में जो लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे और इसको एक भिन्न में बदलेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पहले देखो ये लिखा है 4 सही 5/6 यानी कि 4 धन 5/6 इसका मतलब होता है ये तो एक पूर्ण अंक है, ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये दशमलव में आएगा, एक भिन्न जो 1 से कम है यानी कि ये हमारी 4 दशमलव कुछ आएगा, ये कितना आएगा 6 दशमलव कुछ आएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो सही वाला हिस्सा है, ये जो पूर्ण प्राकृतिक संख्या है, यही हमारी, इसी को बस देखना है और कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ा ये है, ये 8 दशमलव कुछ आएगा, ये हमारा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। चलो अगर ये समझ में आया तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो सभी लोग इसका आंसर गलत करके आओगे, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, ये विशेष क्यों है, चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं, गलती करते हैं, फिर हम लोग सही की तरफ बढ़ेंगे। 2x-3 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × x - 2 × 3 6 हो गया प्लस 1 = 0, और ये हो जाएगा 2x, इसको क्या कर सकते हैं -6, और ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा हमारा x = 5/2 यानी कि 5। बहुत सारे लोग इसको ये ऑप्शन या फिर ये मारकर चले आओगे, ये दोनों क्या हैं हमारे गलत हैं। क्यों गलत है पहले तो ये समझो, ये लिखा है 0 factorial, अब देखो 0 factorial यहाँ पर आएगा, 0 factorial का मतलब होता है हमारा 0 factorial बराबर होता है 1, तो यहाँ पर 1 लाएंगे, यहाँ 1 लाएंगे और 5 और 1 जाकर इधर 6 हो जाएगा 2x, और x = 6/2, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अगर वो आपको समझ में आ गया तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।